हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि NWTA की तैयारी कैसे करें। NWTA की जो वैकेंसी निकली है जिसमें LDC, स्टेनोग्राफर, UTC और इंजीनियर की जो जॉब निकली है, तो लेकिन मैं आपको यहाँ पर LDC, स्टेनोग्राफर, UTC के तैयारी कैसे करें ये बताऊंगी। जैसे आपने देखा होगा कि NWTA का सिलेबस क्या है, जिसमें मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर और GK GA+ करंट अफेयर आएंगे। ये पांचों सब्जेक्ट 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, और टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि 2019 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इसमें NWTA में सिलेक्शन लेने के लिए हम लोगों को 70 या फिर 80 नंबर तो लाना कंपलसरी है, तभी सिलेक्शन हो जाएगा। तो 70 या 80 मार्क्स कैसे लाएँ, उसके लिए मैं आपको जो टिप्स बताऊंगी वो फॉलो कीजिएगा। जैसे NWTA में 80+ नंबर कैसे लाएं, इसके लिए सबसे पहले तो सबसे वीकेस्ट, मतलब जो सब्जेक्ट आपको जिसमें ज़्यादा, जिस सब्जेक्ट को आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, जिसको एक दो दिन में 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, वो सब्जेक्ट पकड़ो। जैसे कि रीजनिंग हुआ, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छी पकड़ कर लो, ताकि इन सब्जेक्ट से मिला के 60 नंबर आ जाएं। और फिर बचिए मैथ और जनरल नॉलेज, GK GA+ करंट अफेयर, तो जो 40 नंबर के रहेंगे दोनों को मिलाकर, उनमें से 20 नंबर लाने हैं, क्योंकि 60 नंबर तो इन दोनों 60 नंबर तो इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आ ही जाएंगे। तो फिर यहाँ से मैथ और GK GS को मिला के अपने को 20 नंबर लाना है। अगर जैसे मैथ के कुछ सवाल गलत भी बनेंगे तो 10 नंबर तो लाना ही है उसमें से, और GK GA करंट अफेयर में भी 10 नंबर लाना है, दोनों को मिला के 20 नंबर हो जाएंगे। तो फिर 60+20 80 हो जाएंगे, तो ये 60+20 अपने 80 हो जाएंगे, तो 80 में अपना सिलेक्शन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं NWTA में किस बुक से तैयारी करूँगी। NWTA में जो मैं हिंदी का पोर्शन रहेगा, हिंदी के लिए मैं आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, जो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की है, उस बुक से तैयारी कर रही हूँ। और कंप्यूटर के लिए मेरे पास परीक्षा मंथन की कंप्यूटर एक परिचय की बुक है, जो उसका नया संस्करण 2019 का, उससे तैयारी कर रही हूँ कंप्यूटर की। और करंट अफेयर के लिए आप घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण या फिर B2 सक्सेस की कुछ कॉमिक्स, B2 सक्सेस क्या आती है वो, उससे तैयारी कर सकते हैं। और जो जनरल, जो GK GS का पोर्शन है, और वो सभी कॉमन रहता है, CVT 1 सब में कॉमन होता है, इसलिए अलग से बुक परचेज़ करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने तो नहीं परचेज़ की। इसके लिए मैं जूनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर की बुक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका सिलेबस भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, तो इससे भी मैं इससे तैयारी कर रही हूँ। जनरल अवेयरनेस भी है इसमें, इंटेलिजेंस है, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, यही सब्जेक्ट NWTA में भी ही आना है। और सबसे बेस्ट बुक मुझे यादिनंद की SSC स्टेनोग्राफर की लगी है, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज, बुद्धिमत्ता, सबका मैथ नहीं मतलब दिया गया है, इससे भी मैं अच्छी तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मैं इन्हीं बुक से तैयारी कर रही हूँ, आपको जो ज़्यादा सूटेबल लगे तो आप उस बुक से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।